द क्रूसिबल के अंदर हम देखेंगे. नंबर वन मैकार्टिज्म, नंबर टू विचक्राफ्ट हंट. मैकार्टिज्म को विचक्राफ्ट हंट के साथ कंपेयर किया गया था. और नंबर थ्री प्यूरिटनिज्म. ठीक है, अब लेट स्टार्ट द क्रूसिबल बाय आर्थर मिलर व्हेन हिस्ट्री एंड लिटरेचर कोलाइड. ठीक है, हिस्ट्री और लिटरेचर कोलाइड की गई. ठीक है, लेट सी स्लाइड नंबर टू. द क्रूसिबल इज प्यूरिटनिज्म, विचक्राफ्ट. विचक्राफ्ट किसे कहते हैं? ब्लैक मैजिक को. ठीक है, और उसके बाद है मैकार्टिज्म एंड आर्थर मिलर. ये क्रूसिबल जो है ये डिपेंड करता है इन चार चीजों के ऊपर. नेक्स्ट आगे चलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा. प्यूरिटनिज्म, क्रिश्चियन फेथ दैट ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द अर्ली 1600s. क्रिश्चियन फेथ जो है वो ओरिजिनेट हुआ इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द अर्ली 1600s. और प्यूरिटन बिलीव्ड इन प्रीडेस्टिनेशन. और प्यूरिटन बिलीव करते थे इन प्रीडेस्टिनेशन. दे स्प्लिट फ्रॉम द चर्च ऑफ इंग्लैंड इन 1633. मैनी इमिग्रेटेड टू इमिग्रेटेड टू द अमेरिकन कॉलोनीज. कुछ जो है इमिग्रेट कर गए थे अमेरिकन कॉलोनीज में. देयर रेडिकल बिलीव फ्लोरिश इन न्यू वर्ल्ड. और उनका ये जो रेडिकल बिलीव था ये न्यू वर्ल्ड में फ्लोरिश हुआ था. अच्छा, प्यूरिटन्स कौन थे? प्यूरिटन्स ने जो है वो ये कहते थे कि हम, इन्होंने ये कैथोलिक ही थे लेकिन इन्होंने कहा था कि हम चर्च को प्योरीफाई करने आए. तो इनके कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट रूल्स थे. और ये इनकी जिंदगी में लव नाम की कोई चीज नहीं होती थी. और ये सिन को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करते थे. हमने ये प्यूरिटनिज्म जो है, थीम ऑफ प्यूरिटनिज्म, हमने बड़ा डीपली पढ़ा था इससे पहले. जो हमने ड्रामा पढ़ा था द मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि ये बहुत स्ट्रिक्ट थे, इनके रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे. और ये क्या कहते थे कि हम जो है चर्च को प्योरीफाई करने आए हैं, इसलिए इसको प्यूरिटनिज्म कहते हैं. प्यूरिफाई से प्यूरिटनिज्म निकला. और विचक्राफ्ट एंड सेलम, अब देखते हैं कि ये जो द क्रूसिबल है दैट इज बेस्ड ऑन द विचक्राफ्ट एंड सेलम. ये जो जादू हुआ, विचक्राफ्ट हुआ सेलम के अंदर, उसके ऊपर ये कहानी लिखी गई. लाइक ऑल प्यूरिटन्स द रेजिडेंट्स ऑफ द सेलम विलेज बी बिलीव्ड इन विचेस एंड विचक्राफ्ट. अब प्यूरिटन्स की तरह सेलम विलेज जो रेजिडेंट्स थे, वहां के रहने वाले थे उस गांव के, वो विचेस और विचक्राफ्ट के ऊपर बिलीव करते थे. दे बिलीव दैट विचक्राफ्ट वाज एंटरिंग इनटू अ कॉम्पैक्ट विद डेविल इन एक्सचेंज फॉर सर्टेन पावर्स टू डू इविल. और वो ये बिलीव करते थे कि विचक्राफ्ट जो है वो एंटर हो इनटू वाज एंटरिंग सॉरी कि वो एंटर हो रहा था इनटू अ कॉम्पैक्ट विद द डेविल इन एक्सचेंज फॉर सर्टेन पावर्स टू डू इविल. उनका ये कहना था कि उन ये जो विचक्राफ्ट है ये एंटर हो रहा है इनटू कॉम्पैक्ट कि वो मतलब कुछ पावर्स को डेविल के साथ एक्सचेंज करता है टू डू सम इविल विद द पीपल, कि लोगों के साथ कुछ गलत हो. यानी कि काले जादू का आप लोगों को पता ही होगा, ब्लैक मैजिक का सबको पता ही है. तो वो उनका ये कहना था. और नॉर्मली ये जो विलेजेस होते हैं, क्योंकि वहां के लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उनका विचक्राफ्ट के ऊपर कुछ ज्यादा बिलीव होता है. और दूसरी तरफ ये जो प्यूरिटन्स थे, इनका विचक्राफ्ट के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव था. दे कंसीडर्ड विचक्राफ्ट बोथ अ सिन एंड अ क्राइम. और वो कंसीडर करते थे विचक्राफ्ट को कि ये सिन भी है और एक क्राइम भी है. एंड इट वाज अ वेरी सीरियस एक्यूजेशन विच वाज केयरफुली एंड थॉरली इन्वेस्टिगेटेड. और ये बहुत सीरियस एक्यूजेशन थी जिसको केयरफुली और थॉरली इन्वेस्टिगेट करना था. किसने जादू किया, कैसे किया, क्यों किया, कब किया, इसको इन्वेस्टिगेट, क्योंकि जादू तो जादू होता है. ठीक है, कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाए. द विचक्राफ्ट हिस्टीरिया, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइएगा, स्लाइड नंबर 5. द विचक्राफ्ट हिस्टीरिया बिगेन इन सैलम मैसाचुसेट्स इन अर्ली 1692. रेवरेंड सैमुअल पेरिस डॉटर एंड अबिगेल विलियम स्टार्टेड हैविंग फिट्स ऑफ कन्वुलजन, स्क्रीमिंग एंड हेलुसिनेशन. रेवरेंड सैमुअल पेरिस की जो डॉटर थी और उस अबिगेल विलियम्स जो है वो जो है उनको कुछ फिट्स पड़ते हैं, कुछ झटके पड़ते हैं, कुछ दौरे पड़ते हैं, स्क्रीम करती हैं और एंड हैलुसिनेशन. और डॉक्टर एग्जामाइंड द गर्ल्स एंड कंक्लूड दैट द ओनली एक्सप्लेनेशन फॉर दीज बिजारे बिहेवियर वाज विचक्राफ्ट. और वो कहते हैं कि ये जो इन्होंने इस तरह का बिहेवियर किया है ये जस्ट ड्यू टू विचक्राफ्ट है, ब्लैक मैजिक की वजह से.
नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. स्लाइड नंबर 6. आर रिसेंटली पब्लिश्ड बुक ऑफ टाइम डिटेल्ड द सिम्टम्स ऑफ विचक्राफ्ट. द गर्ल्स फिट्स वर मच लाइक दोस डिस्क्राइब्ड इन द बुक. अब उस वक्त ये होता है कि एक किताब कोई शाया होती है विचक्राफ्ट के ऊपर, और वो जो गर्ल्स को फिट्स पड़े होते हैं वो बिल्कुल उसी तरीके के होते हैं जैसा कि उस किताब के अंदर डिस्क्राइब किया गया था. Therefore, the Puritans of Salem were quick to believe the doctor's diagnosis. और इस वजह से जो Puritans थे सैलम के, ये quick थे कि वो बिलीव करते थे डॉक्टर के डायग्नोसिस पे. Which second slide number 7, the girls pointed fingers at Tituba. और गर्ल्स जो है जब वो उनको दौरा पड़ रहा होता है और वो जो डॉक्टर जो है वो उनसे कुछ पूछने की कोशिश करता है, तो वो क्योंकि उनको दौरे पड़े होते हैं हिस्टेरिया और फिट्स पड़े होते हैं, तो वो जो गर्ल्स होती हैं वो टिटूबा की तरफ पॉइंट आउट करती हैं द पैरिस लिव सारा गुड एंड सारा ऑसबॉर्न विच पार्क द विच क्रंट, जिसके ऊपर जो के कहा जाता था कि इन्होंने जो है विच हंट किया है. ड्यूरिंग द नेक्स्ट 8 months of terror, more than 150 people were imprisoned for witchcraft. Or during ye next 8 months jo is terror mein guzre, to 150 logon se zyada logon ko imprison kar diya gaya for witchcraft, ke shayad inhone jo hai bahut sare logon ko jo hai phansi bhi de di gayi sirf is wajah se is accusation ke तहत ke shayad unhone witchcraft kiya hai. Aur unhone ye bahut hi matlab kyunki dekhen Puritans maine aapko kaha tha inke rules bade strict hote the, तो ये जो है लोगों को फांसी लटकाने में 2 मिनट लगाती, तो ये 150 लोग थे जो कि इनको विचक्राफ्ट के अंदर इम्प्रिजन किया गया. बाय द टाइम कोर्ट वाज डिसमिस्ड 27 पीपल हैड बीन कन्विक्टेड, 19 हैंग्ड एंड 1 प्रेस्ड टू डेथ. द हिस्टेरिया दैट स्नोबॉल इन द सैलम रिवील्स हाउ डीप द बिलीफ इन सुपरनेचुरल रेन इन कॉलोनियल अमेरिका. अब ये जो हिस्टेरिया था, ये जो खौफ था लोगों के अंदर, दैट्स जो कि सैलम के अंदर स्नोबॉल्ड यानी कि उसके अंदर घुस गया था, ये क्या रिवील करता है कि ये जो कॉलोनियल अमेरिका है उनका कितना ज्यादा बिलीव है इन सुपर नेचुरल पार्ट्स के ऊपर, ठीक है, इन जिनों भूतों के ऊपर कितना ज्यादा इनका एतमाद है या इसके ऊपर ये कितना ज्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है. ये सारी इस पूरा ये जो विचक्राफ्ट इन सैलम है इसके गिर्द ही पूरी कहानी घूमती है कि किस तरह बहुत से लोगों को जो है मौत के घाट उतारा गया सिर्फ एक चीज पे कि शायद उनके ऊपर जो है ये विचक्राफ्ट का जो है एक उनके ऊपर इल्जाम लगा था. और बहुत सारे लोगों ने जब ये विचक्राफ्ट जो है बहुत ज्यादा ये हिस्टेरिया जो है पूरा सैलम के अंदर फैल गया था, तो बहुत सारे लोगों ने अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा दिए थे कि इसने मेरे ऊपर काला जादू कर दिया. आप देखें आज भी इवन आप ये तो हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, आप हमारे माहौल में देख लें, कोई बीमार भी होता है हमें लगता है किसी ने जादू कर दिया, कोई बच्चे को कुछ हो गया लो भाई नजर लग गई, ठीक है वो फलानी आई थी और उसकी वजह से नजर लग गई, फलाने ने मेरे ऊपर जादू कर दिया आज, मतलब सास ने जादू कर दिया तो पता नहीं बहू ने जादू कर दिया तो पता नहीं नंद ने जादू कर दिया, जादू का मजाक बनाया हुआ. और सेम इज द केस इन विचक्राफ्ट सैलम, ठीक है, विचक्राफ्ट एंड सैलम जो है सेम आप ऐसे समझ लें, तो हम कितना ज्यादा ब्लेमिंग गेम खेलते हैं. और सेम इज द केस इन द सैलम, वहां पे भी इस विचक्राफ्ट के पीछे बहुत से लोगों से बदला लिया था, बहुत से लोगों को हैंग कर दिया गया था, बहुत से लोगों को जो है मतलब वो डेथ सेंटेंस दिया गया, बहुत से लोगों को उम्र कैद सजा भी हुई, इस तरीके से लोग एक दूसरे से बदला लेते हैं. नेक्स्ट मैकार्थीज्म. अब देखते हैं कि ये जो आर्थर मिलर है इसमें, अब देखें पूरे ड्रामा के अंदर ये जो आपको अभी मैंने बताया उसके अंदर कोई मैकार्थीज्म की बात नहीं हो रही, बट व्हाई द थीम ऑफ मैकार्थीज्म इज देयर इन द क्रूसिबल. अब ये बात आ गई दूसरी तरफ, आर्थर मिलर के दौर में मैकार्थीज्म देखी गई, ठीक है. अब मैकार्थीज्म बताने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, आर्थर मिलर ने इस मैकार्थीज्म के तहत बहुत से पोइट्स को, राइटर्स को जो कि जो है कम्युनिस्ट थे उनको जो है डिपार्टमेंट ऑफ जो स्टेट था उसके अंदर कोई जॉब नहीं मिलती थी, और इनको भी उसी तरह से हंट किया गया जैसे हमने विच हंट देखा सैलम के अंदर.
अब उसने इसको मैकार्थीइज्म, हमने देखा ना कि दैट इज द क्लैश बिटवीन लिटरेचर एंड द हिस्ट्री, शुरू में ही हमने देखा कि वेयर लिटरेचर एंड, व्हेन द लिटरेचर एंड, जो पहली पहली स्लाइड उसमें हमने क्या पढ़ा, व्हेन लिटरेचर एंड हिस्ट्री कोलाइड विद ईच अदर. नाउ दिस इज द हिस्टोरिकल स्टडी जो कि हमने सैलम की पढ़ी कि वहां पे विचक्राफ्ट हुआ था. बट व्हाई ही इज रिलेटिंग दिस विचक्राफ्ट टू मैकार्थीइज्म, क्या हुआ था ऐसा मैकार्थीइज्म में कि उसने इस स्टोरी को मैकार्थीइज्म से रिलेट किया था, विचक्राफ्ट एंड सैलम. ठीक है, अब देखते हैं मैकार्थीइज्म में क्या, ये स्टोरी के अंदर नहीं है, ये सैलम की हिस्ट्री में कोई मैकार्थीइज्म नहीं थी. मैकार्थीइज्म जो है दैट इज रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ आर्थर मिलर. ठीक है, आर्थर मिलर की जिंदगी में जो हुआ वो अब उसको कंपेयर करेगा इसी विचक्राफ्ट एंड सैलम. ठीक है, ये जो विच हंट हुआ था सैलम के अंदर और उसकी जगह, उसकी वजह से बहुत से लोगों को डेथ सेंटेंस दिया गया था, उसी तरीके से ये मैकार्थीइज्म है. लेट्स सी व्हाट इज द व्हाई ही हैज, मतलब उसने मैकार्थीइज्म को क्यों इससे रिलेट किया था. यहाँ पे देखिएगा, मैकार्थीइज्म द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पीरियड ऑफ इंटेंस सस्पिशन इन यूनाइटेड स्टेट ड्यूरिंग अर्ली 1950s. वो कहानी कब की थी 1690s की, और ये कहानी कब की है मैकार्थीइज्म, ये 1950s की है. एक पुरानी कहानी को लिटरेचर के साथ कोलाइड किया जा रहा है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया जा रहा है. मैकार्थीइज्म जो है वो एक टर्म है दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पीरियड ऑफ इंटेंस सस्पिशन. एक इंटेंस शक वाली जो है ना पीरियड था यूनाइटेड स्टेट में ड्यूरिंग अर्ली 1950s. It began when Senator Joseph McCarthy, a U.S. senator from Wisconsin, claimed that communists had infiltrated the Department of State. अब क्या हुआ? ये McCarthyism कब start हुई? जब Senator Joseph McCarthy, जो कि एक U.S. का senator था from Wisconsin, उसने क्लेम कर दिया था कि ये जितने भी communists हैं, ये infiltrate कर रहे हैं Department of State को. इनफिल्ट्रेट करना यानी कि उसको स्पॉइल कर रहे हैं, उसको पोल्यूट कर रहे हैं द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट. जैसे प्यूरिटन्स कहते थे कि हम ये सारी पोल्यूशन खत्म करने के लिए आए हैं, जो कि इंसान जो है चर्च में या दुनिया के अंदर उसको दुनिया को इनफिल्ट्रेट करता है, तो हम भी जो है इसमें उसको प्यूरिटन्स ये क्लेम करते हैं कि हम प्योरीफाई करने आए हैं. ठीक है, दुनिया को. इसी तरीके से इसने मैकार्थी ने ये क्लेम कर दिया था कि ये जो कम्युनिस्ट हैं ये इनफिल्ट्रेट कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को. अ स्पेशल हाउस कमिटी ऑन अन अमेरिकन एक्टिविटीज वाज फॉर्म्ड टू इन्वेस्टिगेट एलिगेशंस ऑफ कम्युनिज्म. अब एक स्पेशल हाउस कमेटी कायम हुई जिसके अंदर क्या किया गया कि जितने भी अन अमेरिकन एक्टिविटीज हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया गया, इन्वेस्टिगेट एलिगेशंस ऑफ कम्युनिज्म. और वो उसमें क्या था, स्पेशल एलिगेशंस किसके ऊपर थी, कम्युनिज्म के ऊपर. ड्यूरिंग द पीरियड पीपल फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ एग्रेशन विच हंट्स ऑफन बेस्ड ऑन इंक्लूसिव क्वेश्चनेबल एविडेंस. और इसी पीरियड में पीपल फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ, तमाम मतलब जिंदगी के तमाम जो तबकात के लोग थे, वो इस एग्रेसिव विच हंट का, जो कि शायद बेस करता है ऑन इंक्लूसिव क्वेश्चनेबल एविडेंस पे, वो इसका सब्जेक्ट थे. नेक्स्ट उस पे चलते हैं. पर्सन, नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 10. पर्सन्स एक्यूज्ड ऑफ बीइंग कम्युनिस्ट वर ऑफन डिनाइड एम्प्लॉयमेंट इन बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. और ऐसे लोग, ऐसे पर्सन जो कि जिनको एक्यूज किया जाता था कि जी ये शायद कम्युनिस्ट है, ठीक है, उनको जो है प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में जॉब्स नहीं मिलती थी, उनको जॉब देने से इनकार कर दिया जाता था. इन द फिल्म इंडस्ट्री अलोन ओवर 300 एक्टर्स, राइटर्स एंड डायरेक्टर्स वर डिनाइड वर्क इन द US. और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी 300 एक्टर्स, राइटर्स और डायरेक्टर्स को मना कर दिया गया कि वो US में काम नहीं करेंगे. अमेरिकन राइटर आर्थर मिलर वॉज वन ऑफ दोज एलीग्ड टू हैव बीन ब्लैकलिस्टेड. और आर्थर मिलर भी उनमें से एक था जिसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, वो उन 300 डायरेक्टर्स, राइटर्स और एक्टर्स में से एक था. मैकार्थीइज्म
McCarthy influenced the finally filtered in 1954 when a famous CBS newsman, Edward R. Murrow, aired an investigative news report which revealed McCarthy as dishonest in his speeches and abusive in his interrogation of witnesses. Finally, जो है McCarthy का ये जो influence है वो उस वक्त finally filtered हो गया 1954 में उसको उसकी मतलब ये जो उसका उसको expose कर दिया गया कि ये जो इंसान है जो McCarthy है वो dishonest है और ये जो है अपनी इसकी speeches और जो है he is dishonest in his speeches और जो इसकी इंटरोगेशन ऑफ विटनेसेस है वो भी अब्यूजिव है यानी कि ये लोगों को अपने मफाद की खातिर इस्तेमाल कर रहा है जैसे अभी देखे मोदी ने क्या किया ठीक है सेम इज द केस कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स होते हैं जिनके अंदर से जो उनके इरादे होते हैं वो पक्के नहीं होते यानी कि अंदर के इरादों के वो कुछ और होते हैं लेकिन बाहर से वो कुछ और शो कर रहे होते हैं बाहर से वो ये शो करते हैं कि हम इस स्टेट के साथ बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हैं लेकिन अंदर से वो फसाद का बाइस बनते हैं द पब्लिक वॉज फाइनली मेड अवेयर ऑफ हाउ McCarthy वॉज रनिंग द रेपुटेशन ऑफ मैनी इंडिविजुअल थ्रू फॉल्स एक्यूजेशन ऑफ कम्युनिज्म और पब्लिक को फिर फाइनली वो अवेयर हुए McCarthy से कि किस तरीके से McCarthy ने रुइन किया रेपुटेशन ऑफ मैनी इंडिविजुअल्स थ्रू फॉल्स एक्यूजेशन ऑफ कम्युनिज्म कि ये शायद कम्युनिस्ट है उनके ऊपर फॉल्स एक्यूजेशन लगाई गई और बहुत से इंडिविजुअल्स की लाइफ से खेला गया आर्थर मिलर लेट्स सी कि आर्थर मिलर की लाइफ इस McCarthyism से कैसे जो है वो उसके ऊपर कैसे असर हुआ Arthur Miller, 1915-2005, American playwright and writer. In 1953, he wrote The Crucible, which uses the Salem witchcraft trials of 1692 to attack the anti-communist witch hunts of the 1950s. अब ये जो American playwright और writer है, उसने क्या लिखा था? In 1953, he wrote Crucible, जो कि Salem witchcraft ट्रायल्स के ऊपर था जो कि 1962 में हुआ था कभी उसने ये किताब लिखी ताकि वो अटैक कर सके किसको एंटी कम्युनिस्ट विच हंट्स ऑफ 1950s जो एंटी कम्युनिस्ट है विच हंट्स ऑफ 1950s उसके दौर में 1950 में 1950s में जो विच हंट्स थे यानी कि वो एंटी कम्युनिस्ट जो थे वो उनको एक्सपोज करने के लिए उन पे अटैक करने के लिए उसने ये कहानी लिखी He believed the hysteria surrounding the witchcraft trials in Puritan New England parallel the climate of McCarthyism. उसने कहा ये जो hysteria जो कि surround करता witchcraft trials in Puritan New England तो वो बिल्कुल parallel है जो Salem के अंदर witchcraft trial हुआ था in Puritan New England वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है वो क्लाइमेट वो हिस्टेरिया क्या कहते हैं खौफ और खौफ की कैफियत तारी हो जाती है सबके ऊपर यानी कि लोग वहम में ज्यादा रहते हैं और रियल लाइफ में कम रहते हैं तो वो पैरेलल था द क्लाइमेट ऑफ McCarthyism सेनेटर जोसेफ McCarthy's ऑब्सेसिव क्वेस्ट टू अनकवर कम्युनिस्ट पार्टी इनफिल्ट्रेशन ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस और फिर क्या हुआ ये जो सेनेटर जोसेफ McCarthy था McCarthy's obsessive quest to uncover communist के वो communist party को uncover करना चाहता था और उसको वो ये blame करना चाहता था कि ये infiltration of American institutions है तो इसके पीछे उसका सारा वो expose किया गया same is the case के देखें दुनिया में super powers भी आज ये काम कर रहे हैं अमेरिका ने क्या किया पाकिस्तान के साथ और अफगानिस्तान के साथ कि उनको टेररिस्ट करार दे के और फिर क्या किया उन्होंने कहा कि ये इनफिल्ट्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड को ये दुनिया में एक्सट्रीमिस्ट हैं सो वी हैव टू किल देम ऑल और वो जंग है वो आज भी नहीं जीत सके 17 साल हो गए और कितने लोग मर गए कितने बेगुनाह लोगों को कत्ल कर दिया गया इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लीडर्स होते हैं अभी मोदी हमारे सामने बहुत बड़ी मिसाल है ठीक है और इस तरह की कई मिसालें हमारे सामने हैं कि किस तरह से अपने जो अना की खातिर ये जो लीडर्स हैं किस तरीके से
जिनके पावर, मैं कहती हूँ ना पावर करप्ट अ मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, के पार करप्ट करती हैं इंसान को. और अगर वो पार पढ़े लिखे इंसान के पास आ जाते हैं, कहा था ना मैंने दुनिया को सबसे ज्यादा तबाह करने में हाथ किसका है, पढ़ी लिखी कौमों का, थर्ड वर्ल्ड कंट्री का नहीं है, सबसे ज्यादा सुपर पावर्स का हाथ है. ये जो टेररिज्म फैलाई है ना, ये सब सुपर पावर्स ने और पढ़े लिखे लोगों ने फैलाई है. अब यहाँ पे देखें कि अगर उसके पास, मैकार्थी के पास एक पार थी, तो उसने किस लिए इस्तेमाल की थी. आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द क्रूसिबल, मिलर हिमसेल्फ वाज इन्वेस्टिगेटेड फॉर पॉसिबल एसोसिएशंस विद द कम्युनिस्ट पार्टी. और पब्लिकेशन ऑफ द क्रूसिबल के बाद मिलर जो था वो खुद भी उसको इन्वेस्टिगेट किया गया फॉर पॉसिबल एसोसिएशन विद, कि शायद इसकी कोई पॉसिबल एसोसिएशन है कम्युनिस्ट पार्टी के साथ. He refused to give the information regarding his colleagues and was found guilty of contempt of court. इसने जो है अपने colleagues की information देने से इनकार कर दिया था और वो found हुआ था guilty of contempt of court. His sentence was later overturned. बाद में वो जो उसको सजा दी गई बाद में वो overturn हो गई थी. कहानी कुछ शुरू होती है अबिगेल, अब इसके characters की तरफ आ जाते हैं. ये तो हमने पीछे पढ़ा writer के बारे में. Let's start. Characters of the story. Abigail Williams, orphaned niece of Reverend Paris. She was once the mistress of John Proctor. ठीक है, John Proctor जो है वो hero protagonist of the play है. और उसके अंदर जो है एक लड़की है जिसका नाम Abigail Williams है. और ये जो है एक यतीम niece थी इसकी, Reverend Paris की. She was once the mistress of John Proctor, but was turned out when his wife discovered the affair. लेकिन वो जो है उसको जो है she turned out जब उसकी wife को पता चला, John Proctor की wife को जब उसको पता चला कि उसके शोहर का अफेयर है Abigail Williams के साथ. He is extremely jealous of Elizabeth Proctor. Elizabeth Proctor यानी कि John Proctor की बीवी. वो बहुत ज्यादा jealous थी Elizabeth Proctor से, and uses her power in town to rid herself of Elizabeth as well as any other who have insulted her in the past. और वो अपनी power को use करती थी in the town ताकि वो, एक पहली बात ये कि Elizabeth से, to rid herself of Elizabeth ताकि वो अपने आप को Elizabeth से दूर रख सके, और हर उस इंसान से who have insulted her in past, जिसने उसको past में insult किया था. Main जो role है वो इसी अबिगेल विलियम का है. She cannot let go of her obsession with Proctor. लेकिन वो अपनी obsession with Proctor, यानी कि Proctor की मोहब्बत वो अपने दिल से नहीं निकाल सकी. She is the leader of the girls. और ये उस girls की leader थी जो कि witchcraft कर रही थी. John Proctor, husband to Elizabeth, he had an affair with Abigail when she was employed in his household. जब वो लड़की इनके घर में काम किया करती थी तो इसका उससे अफेयर था अबिगेल के साथ. He knows that the girls are pretending but cannot tell what he knows without revealing having been alone with Abigail. वो जानता था ये जो लड़कियां हैं जो कि अबिगेल विलियम्स के अंडर रह के प्रिटेंड कर रही हैं कि जी इनके ऊपर शायद कोई ब्लैक मैजिक हो गया और ये फिट्स और हिस्टेरिया की जो है एक्टिंग कर रही हैं, प्रिटेंड कर रही हैं. तो वो ये जानता था कि ये सारी प्रिटेंड कर रही है, मतलब रियल में इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो कुछ बता नहीं सकता था. क्यों? क्योंकि वो बिकॉज व्हाट ही नोज विदाउट रिवीलिंग हैविंग बीन अलोन विद अबिगेल, कि अगर उसने ये रिवील कर दिया तो शायद अबिगेल भी रिवील कर देगी कि उन दोनों का आपस में क्या रिश्ता था. व्हेन अबिगेल यूजेस हर इन्फ्लुएंस टू कन्विक्ट हिज वाइफ, जब अबिगेल जो है अपना इन्फ्लुएंस यूज करती है कि वो अपनी वाइफ को कन्विक्ट करे, ही ट्राइज टू टेल द ट्रुथ एंड फाइंड्स हिमसेल्फ कंडेम्ड. तो उसने ट्रुथ बताने की कोशिश करता है और फाइनली वो अपने आप को कंडेम कर देता है, उसको एहसास होता है कि वो गलत है. ही रिफ्यूजेस टू एडमिट टू विचक्राफ्ट और टू कंसीडर अबिगेल एज एनीथिंग मोर देन अ लायर. वो रिफ्यूज करता है टू विचक्राफ्ट और वो कंसीडर करता है अबिगेल को कि वो मोर देन अ लायर है. He is hanged. इसको एंड पे इस witchcraft hunt के तहत इसके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है John Proctor के ऊपर और एंड में इसको हैंग कर दिया जाता है. Elizabeth Proctor,
ये वाइफ थी जॉन प्रॉक्टर की, वाइफ ऑफ जॉन प्रॉक्टर. शी डिस्कवर्ड एन अफेयर गोइंग ऑन बिटवीन हर हस्बैंड एंड अबिगेल विलियम एंड टर्नड अबिगेल आउट ऑफ हर हाउस. शी इज अबिगेल्स मेन टारगेट बट इज सेव्ड फ्रॉम हैंगिंग बिकॉज ऑफ हर प्रेगनेंसी. वो अबिगेल का मेन टारगेट थी लेकिन वो सेव हो चुकी हो गई थी फ्रॉम हैंगिंग बिकॉज ऑफ हर प्रेगनेंसी, क्योंकि वो प्रेगनेंट थी. इस वजह से वो उस वो जो है हैंग होने से बच गई थी, यानी कि उसको फांसी नहीं दी गई. शी फील्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइविंग हर हस्बैंड टू इनफिडेलिटी. और उसको अपनी रिस्पॉन्सिबल, उसको लगा कि वो खुद रिस्पॉन्सिबल है कि उसका हस्बैंड जो है वो इनफिडेलिटी तक पहुंचा. यानी कि उसके हस्बैंड का अगर एक अफेयर था एक लड़की के साथ तो वो शायद इसके कोल्ड बिहेवियर की वजह से था. टिटूबा servant to Paris household, she is a native of Barbados. वो जो है native थी Barbados की. She is enlisted by Ruth, Putnam and Abigail to cause spells and create charms. वो जो थी enlisted थी by Ruth, Putnam और वो and Abigail के वो cast करे spell और create करे charms को. When Abigail turns on her to save herself from punishment, Tituba confesses to all and saves herself. जब Abigail जो है वो उसकी तरफ आती है अपने आप को बचाने के लिए from punishment, तो Tituba जो है confess कर लेती है और वो अपने आप को बचा लेती है. Reverend Paris, pastor of the church in Salem. He is the father of Betty and the uncle of Abigail. ठीक है, ये Abigail जो है वो इसी की niece थी और ये जो बेटी है जिसको दौरे पड़ते थे वो इसी की बेटी थी. He believed that he is being persecuted and that the town people do not respect his position as a man of God. और वो ये बिलीव करता है कि वो he is being persecuted और ये जो लोग हैं टाउन पीपल हैं वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते एज अ मैन ऑफ गॉड. वो चर्च का तो बंदा था लेकिन लोग उसकी जो है बात नहीं मानते थे. Deputy Governor Danforth. He seems to feel particularly strongly than the girls are honest. अब ये जो है मतलब ऐसा कुछ था कि शायद ये बिलीव करता था कि ये जो गर्ल्स हैं वो ऑनेस्ट हैं. He is sensitive to the presence of the devil and reacts explosively to whatever evidence is presented. और वो जो है presence of devil के बारे में बहुत ज्यादा sensitive था और वो इन चीजों को बहुत ज्यादा मानता था और उसने रिएक्ट किया एक्सप्लोसिवली टू व्हाटएवर एविडेंस इज प्रेजेंट, कि जो भी एविडेंस प्रेजेंट किया गया उसने उसके ऊपर यकीन कर लिया. फिर देखते हैं द गर्ल्स. ये वो वाली गर्ल्स हैं जो कि अबिगेल के अंडर थी और लेट्स सी कि ये क्या इन्होंने क्या किया था. बेटी पेरिस, डॉटर ऑफ द रेवरेंड, कजन टू अबिगेल विलियम. शी इज अ वीक गर्ल हु गोज अलोंग विद हर कजन एज सून एज शी इज थ्रेटन्ड. ये अपनी कजन के साथ गई थी और as soon as she is threatened, Susuna Walcott, one of the girls, she is initially sent between Paris and Dr. Griggs to determine the cause of Betty's ailment. She is easily guided by Abigail. Abigail अपनी powers use कर रही थी, ठीक है, अपना influence use कर रही थी सारी लड़कियों के ऊपर. Susuna जो है वो Walcott, ये भी एक इन्हीं लड़कियों में से एक थी और वो इनिशियली उसको भेजा गया बिटवीन पेरिस एंड डॉक्टर ग्रिग्स के वो डिटरमाइन करे कॉज ऑफ बेटीज एलमेंट. ठीक है, हुआ ये था कि बेटी को दौरे पड़ रहे थे. उसके पास जब पेरिस और डॉक्टर ग्रिग्स खड़ा हुआ था और उस दौर के अंदर जो है ये विच क्राफ्ट जो है इसका हिस्टेरिया जो है पूरे सैलम के अंदर फैला हुआ था. लोगों का ये ख्याल था कि अगर किसी को बुखार भी हो जाता तो शायद इस विच क्राफ्ट की वजह से होता है. तो एक्चुअली वो ये विच हंट जो है वो कर रहे थे कि किसी तरह ये पता चले कि किसने ये जादू जो जो करता है उसको फांसी लटकाया जाए ताकि तमाम जादूगरों को फांसी दे दी जाए और ये जो आम इंसान है वो उससे बच सके. अब क्या हुआ कि जब उसको दौरे पड़ रहे थे तो ये जो एबिगेल विलियम है जो लड़की थी मेन जो कैरेक्टर है, बेटी को दौरा पड़ रहा था, उसको फिट्स पड़ रहे थे. Susuna Walcott को वो भेजती है ताकि वो डिटरमाइन करे. पेरिस और डॉक्टर ग्रिग्स जो हैं जब आपस में बात कर रहे होते हैं कि जी बेटी की एलमेंट की क्या कॉज है, तो ये स्पेशली वो इनिशियली उसको भेजती है कि तुम जाके उनको बताओ कि भाई इसको क्यों दौरे पड़ रहे हैं. तो शी इज इजिली गाइडेड बाय अबिगेल. तो अबिगेल ही उसको गाइड करके भेजती है कि तुमने जाके ये कुछ कहना है. मर्सी लेविस,
Mercy Lewis, a servant to the Putnam household. She is a merciless girl who seems to delight in the girl's activities. अब ये सर्वेंट थी पुटनाम हाउस होल्ड की और वो एक मर्सीलेस गर्ल थी. ठीक है, मर्सीलेस यानी कि एक बेरहम सी लड़की थी. हु सीम्स टू डिलाइट इन द गर्ल्स एक्टिविटीज, जो जस्ट जो है वो लड़कियों की एक्टिविटीज में बस मजे ले रही थी और कुछ भी नहीं कर रही थी. मैरी वेरन, सर्वेंट टू द प्रॉक्टर हाउस होल्ड. अबिगेल यूजेस हर टू इफेक्टिवली अक्यूज एलिजाबेथ. मैरी वेरन जो है एलिजाबेथ के, ये जो अबिगेल के बाद जो इनकी सेकंड जो सर्वेंट थी वो मैरी वेरन थी प्रॉक्टर हाउसहोल्ड में. अब अबिगेल उसको यूज करती है ताकि वो इफेक्टिवली एक्यूज कर सके एलिजाबेथ को. उसका मेन टारगेट तो एलिजाबेथ ही था कि वो एलिजाबेथ को अपने रास्ते से हटाए ताकि उसकी जॉन प्रॉक्टर से शादी हो सके. जॉन प्रॉक्टर टेक्स मैरी टू द कोर्ट टू कन्फेस दैट गर्ल्स आर ओनली प्रिटेंडिंग. अब जॉन प्रॉक्टर जो है वो मैरी को लेके जाता है कोर्ट में ताकि वो ये कन्फेस करे कि ये जो लड़कियां ये सिर्फ प्रिटेंड कर रही है, क्योंकि सारा सच या तो मैरी वेरन जानती थी या अबिगेल विलियम्स जानती थी या जॉन प्रॉक्टर जानता था. ही इज नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू फाइट अबिगेल. लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि वो अबिगेल से फाइट कर सके. एंड एज सून एज अबिगेल लीड्स द अदर गर्ल्स अगेंस्ट हर, मैरी क्रेव्स एंड रन्स बैक टू हर साइड बाय अक्यूजिंग प्रॉक्टर हिमसेल्फ. और जैसे ही वो, क्योंकि वो इतनी ज्यादा मतलब अंदर से दिल की कोई मजबूत खातून नहीं थी, तो जैसे ही अबिगेल जो है दूसरी लड़कियों के साथ एंटर होती है अगेंस्ट हर, तो मैरी जो है वो केव्स अपने आप को केव कर लेती है और रन बैक टू हर साइड और वो अबिगेल की साइड पे जाके छुप जाती है और एक्यूज वो किसको करती है, प्रॉक्टर हिमसेल्फ. प्रॉक्टर को वो एक्यूज कर देती है कि मतलब इस खौफ से कि कहीं ये जो है अबिगेल विलियम, ये कहीं जो है मैरी विलियम को मतलब कुछ ऐसा ना कर दे या उसके ऊपर कोई जादू ना कर दे या कुछ इस तरह से, तो वो प्रॉक्टर को अपनी जान बचाने के लिए वो प्रॉक्टर को जो है ना वो एक्यूज कर देती है, उसके ऊपर इल्जाम लगा देती है. ड्रामा बेसिक्स देख लेते हैं. ड्रामा इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर दैट इज रिटन टू बी परफॉर्म बिफोर एन ऑडियंस. The two main types of drama are tragedy and comedy. A tragedy unveils the downfall of a main character in a serious tone. Ek tragedy ke andar kya hota hai ki downfall dikhaya jata hai ek main character ka in a serious tone. Or a comedy is light and often humorous. Like fiction, drama includes following element, plot, setting, character and theme. The plot is the chain of related events that make up the story. In drama, the plot is developed in a series of acts. Plot किसे कहते हैं? Sequence of events को. ठीक है? एक chain of related events होते हैं जो कि story को बनाते हैं. और drama के अंदर plot is developed in a series of acts that are made up of scenes, which each scenes establish a different time, place, or setting. The plot is brought to life through the words and action of the characters, the individuals who participate in the action. The conversation between characters is called dialogue. The central character of a play is a protagonist. He or she is deeply involved in the conflict and may change because of it. A major character who opposes the protagonist is the antagonist. Some plays also have a foil, a minor character who contrasts in personality with the protagonist. The plot presents a conflict or a struggle between opposing forces. Through the plot, a playwright develops a theme, the central message that writer wants to share with an audience. और इसी plot के जरिए playwright जो है वो एक theme develop करता है और जो central message है जो writer चाह रहा होता है वो wants to share with an audience. Drama basics देख लेते हैं. When you read the script of the play, you will read the character's dialogue. You will also encounter these elements: the cast of character, number two, the stage directions. और इन बेसिक्स को देखते हुए ड्रामेटिक अंडरस्टैंडिंग, नीचे लाइन पे आ जाइएगा, अंडरस्टैंडिंग दीज बेसिक ड्रामेटिक कन्वेंशंस मे हेल्प यू टू विजुअलाइज द कैरेक्टर एंड एक्शन इन द प्ले, क्रिएटिंग अ थिएटर इन योर माइंड एज यू रीड. अच्छा, नेक्स्ट आ जाए टाइटल ऑफ द सिलेक्शन, द क्रूसिबल. क्रूसिबल को ये टाइटल क्यों दिया गया था, व्हाई? ड्रामेटिक प्लॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका क्या. प्लॉट स्ट्रक्चर यानी कि इसके सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या क्या थे. लेट्स सी, कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं इसमें. द मेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द प्ले इज बिटवीन द सैलम टाउन पीपल एंड द पीपल एक्यूज्ड ऑफ द विचक्राफ्ट. कॉन्फ्लिक्ट उसके अंदर ये था
कि प्ले जो है वो सेलम टाउन पीपल और द पीपल एक्यूज्ड ऑफ बीइंग विचक्राफ्ट उनके कॉन्फ्लिक्ट को शो करता है, यानी कि ऐसे लोग जो कि सेलम टाउन पीपल थे और ऐसे लोग जिनके ऊपर विचक्राफ्ट का इल्जाम लगाया गया, कहानी कुछ इनके गिर्द घूमती है। नंबर टू है राइजिंग एक्शन और कॉम्प्लिकेशंस, एक्शन दैट लीड्स टू द क्राइसिस। और नंबर टू इसके फ्रंट पे देखिएगा लिखा हुआ है फॉलिंग एक्शन लीड्स टू द रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। अब इसमें राइजिंग एक्शन देखते हैं क्या था। द विच हंट एस्केलेट्स एंड सेवरल वीमेन आर ट्राइड फॉर विचक्राफ्ट एंड हंग। विच हंट जो है वो एस्केलेट कर चुका था उस दौर में और बहुत सी औरतों को, खवातीन को जो है इसलिए फॉर विचक्राफ्ट और उनको हंग कर दिया गया था। फॉलिंग एक्शन क्या था कि जॉन प्रॉक्टर अपहोल्ड हिज इनोसेंस। जॉन प्रॉक्टर जो है वो अपनी इनोसेंस के साथ कायम था कि वो जो है कल्प्रिट नहीं है। दे आर रूमर्स ऑफ एन अपराइजिंग इन अ नियर बाय टाउन, और कुछ रूमर्स थी कि शायद ऐसा कुछ नियर बाय टाउन में हुआ है। अबीगेल फ्लीज सैलम, और अबीगेल जो है वो सैलम से भाग जाती है। एक्सपोजिशन ऑफ इंट्रोडक्शन नीचे देखिएगा। एस्टैब्लिश्ड कॉन्फ्लिक्ट। Several girls from Salem have been playing with witchcraft in the forest with the slave Titoba. बहुत सी लड़कियां होती हैं, several girls from Salem जो के play करती हैं with witchcraft in the forest with the slave Titoba. They seem to be bewitched, और उनको देखा जाता है कि शायद वो कुछ जादू कर रही हैं, and accused Titoba and several others of consorting with the devil. और वो they seem to be witch, ऐसा लगता है कि उनको जो है ये bewitch यानी कि जादू करते हुए देख लिया जाता है, और एक्यूज किसे किया जाता है, टिटूबा को और बहुत से और लोगों को ऑफ कंसोर्टिंग विद द डेविल, के इन्होंने डेविल को कॉल किया है। नेक्स्ट देखिए बेटा क्लाइमेक्स लिखा हुआ है। द प्रॉक्टर्स आर एक्यूज्ड ऑफ विचक्राफ्ट। फाइनली प्रॉक्टर यानी कि मिस्टर एंड मिसेस प्रॉक्टर जो है उन दोनों को एक्यूज किया जाता है, उनकी पूरी फैमिली को एक्यूज किया जाता है। John confesses his adultery to his wife, और John confess कर लेता है कि उसने अपनी wife को धोखा दिया है, and she lies to the court in order to save him. और दूसरी तरफ जो उसकी बीवी जो है वो उसको save करने के लिए झूठ बोल देती है। Resolution: John Proctor is hanged along with the Rebecca nurse because she is pregnant. Elizabeth Proctor's life is spared. अब क्या होता है कि जॉन प्रॉक्टर को hang कर दिया जाता है along with Rebecca nurse के साथ, क्योंकि जो है एलिजाबेथ प्रॉक्टर जो है वो प्रेग्नेंट होती है, इसलिए उसको छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अमेरिकन ड्रामा देखते हैं। ड्रामा इज प्रोबेबली द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग। अ प्ले इज नॉट फिनिश्ड इन सेम वे दैट अ पर्सन दैट अ पोएम और नॉवल इज, बिकॉज आफ्टर इट इज रिटन इट स्टिल नीड्स टू बी ब्रॉट टू लाइफ ऑन अ स्टेज। The play primarily engages the enthusiasm of directors, actors, and technicians through the story. The playwright makes the audience concerned for a character by focusing on a conflict that involves something important to the characters. The protagonist of the play is the major character who usually drives the action forward. Exposition gives the audience background information. Most of the plays that are produced in the United States today are produced with the hope that they will make money. Playwrights must usually find an agent who submits a play to producers who are likely to consider it. The producer advances money to finance a play, meets with agents who represent the playwrights, work with the playwright on changes to a play. और उसके बाद थिएटर जो था, थिएटर इज अ कोलैबोरेटिव मीडियम। अ डायरेक्टर एंड एक्टर टेक अवे अ प्ले फ्रॉम इट्स ऑथर। रिहर्सल्स आर बोथ प्लेजेंट एंड टेंस। प्रोड्यूसर्स सेल्डम टेक रिस्क ऑन प्लेज। थाउजेंड्स ऑफ प्लेज आर कॉपीराइटेड ईच ईयर। द ऑडियंस कैन कंट्रीब्यूट टू अ गुड परफॉर्मेंस। और ऑडियंस जो है वो गुड परफॉर्मेंस दे सकती है। ये आप लोगों की जो स्लाइड है ये एंड हो गई है। अच्छा जी, यहाँ तक बेटा किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली मेरे से। Any questions?